हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसमें हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे आगे आती हैं जब हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। कंप्यूटेशन कंसेप्चुअल कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर। मेन जो हमारी एक कंट्रोवर्सी आती है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपस में एक कंसेप्ट है जो उनकी रिलेशनशिप है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है हिस्टोरिक कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। अनदर प्रॉब्लम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज रिगार्ड द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इटसेल्फ। इट इज़ आर्ग्यूड दैट हिस्टोरिक कॉस्ट आर बुक कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू पास्ट एंड आर इररेलीवेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हिस्टोरिक जब हमारी प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब हम एक डिफरेंट ओपिनियन हमें कॉस्ट पर मिल जाता है, जहाँ पर हिस्टोरिक कॉस्ट को जो पास्ट हमारी कॉस्टेज होती हैं उन्हें लिया जाता है और इररेलीवेंट डिसीजन मेकिंग बन जाती है। इन देयर ओपिनियन फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट आर मोर relevant for decision making. In the same manner, arguments are given in the favor of specific cost and composite cost as well as explicit, implicit and marginal cost. ये हमारी अलग अलग टाइप्स की कॉस्ट हैं, तो इन पर जब भी हम एक relevant decision making बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक हमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। द कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाई इट्स इन्वेस्टर, बट द क्वालिफिकेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज देयर आर मैनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस देयर वैल्यूएशन अबाउट अ फर्म। जो हमारी जो प्रॉब्लम है कंप्यूटेशन की, यहाँ जो हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम चाहते हैं कि कितना इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा मिला है, और हम इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं जो हमारे, वहाँ पर एक डिफ़िकल्टी आती है हमें इसे इसकी वैल्यूएशन को देखने में कि कैसे हम उसको वैल्यूएट करें। प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इट इज़ द समटाइम्स आर्ग्यूड दैट रिटेन्ड अर्निंग डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी कॉस्ट, बट इन रियलिटी इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड फॉरगोन बाई इट्स शेयर होल्डर। सिंस डिफरेंट शेयर होल्डर मैनी हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टिंग देयर डिविडेंड्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की कॉस्टेज में भी हमें प्रॉब्लम आती है जब हम देखते हैं कि जो रिटेन अर्निंग है उसमें कोई भी कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व नहीं होती, पर रियलिटी में क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें जो हमारे डिविडेंड्स हैं वो शेयर होल्डर को हम उन्हें फॉरगोन कर जाते हैं। सिंस डिफरेंट शेयर होल्डर्स में उनके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने डिविडेंड्स को इन्वेस्ट कर सके, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को हम कभी भी कंप्यूट नहीं कर पाते क्योंकि हम उनको री इन्वेस्ट करते रहते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ असाइंड वेट्स। फॉर डिटरमाइनिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट्स हैव टू बी असाइंड टू द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस। द चॉइस ऑफ यूजिंग द बुक वैल्यू ऑफ द सोर्सेज ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द सोर्स पॉजेस अनदर प्रॉब्लम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जहाँ पर हम असाइनिंग वेट्स की बात करें कि हम किसे वेटेज दें, अगर हम एवरेज कॉस्ट को वेटेज देते हैं तो स्पेसिफिक जो हमारी कॉस्ट होती है तो हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें डिपेंड करता है कि हम बुक वैल्यू से सोर्स से ले रहे हैं या फिर मार्केट वैल्यू को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम अकर हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ को मैक्सिमम लाइक दें। और कल मिलती है एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।